देखिए 24 तारीख के बाद मॉनसून सक्रिय रहा, लेकिन अब पिछले कुछ 24 आवर्स में मॉनसून की जो तेजी थी उसमें कमी जरूर आई है। और पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के लोग हर जिले में बारिश हुई है, और जो हाईएस्ट रेनफॉल हुई है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हुई है, धौलाकुआं जगह है वहाँ पे 69 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। जहाँ तक बारिश के सिलसिले की बात है, मानसून की बारिशें अभी अगले 2 दिन और कंटिन्यू करेंगी और 30 तारीख तक बारिशें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन इन दिनों में जो ज़्यादा असर मानसून का रहेगा उसमें जो मुख्य जिले हैं उसमें सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा और मंडी और कुल्लू के भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा असर होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। बाकी जो प्रदेश के जिले हैं वहाँ भी बारिश होगी लेकिन कम होगी, उसकी गति कम होगी। और उसके बाद फिर 1 तारीख के बाद कुछ 2 से 3 दिन बारिश में कमी आएगी, लेकिन फिर से मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है 4 तारीख के आसपास, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ भी एक अप्रोच कर रहा है तो फिर से मॉनसून सक्रिय हो। अच्छा यानी पूरा मॉनसून में तो अभी तक इंडिकेशन ये है कि नॉर्मल के आसपास रहेगी जो बरसात रहेगी या उससे थोड़ी कम रहेगी, लेकिन ये जरूर है क्योंकि जून जून में अच्छी बारिश अभी देखने को मिली है और अभी तक की जो मॉनसून का जो लेवल है वो काफ़ी ठीक है, एक्सेस है। 29% ज़्यादा बारिश हुई है हिमाचल में जितनी होनी चाहिए थी आज तक, और उसमें सिर्फ एक जिला है जहाँ कम बारिश है, लाहौल और स्पीति, बाकी जिलों में सामान्य है, सामान्य से ज़्यादा बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है। जिला सोलन में ज़्यादा है और उसके बाद मंडी जिला, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे मंडी में काफ़ी इसका असर भी पड़ा है, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे लैंडस्लाइड की बात हो, चाहे फ्लैश फ्लड की बात हो। तो 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेस रेनफॉल हिमाचल में पिछले 4 से 5 दिनों में हुआ है। तो देखिए अभी जो मैं बता रहा हूँ कि मानसून की बारिश में गति में इंटेंसिटी में कमी जरूर आई है, लेकिन बारिशें कंटिन्यू करेंगी 2 से 3 दिन, उसके बाद कुछ कम होगी। और फिर से जैसे 4 और 5 तारीख के आसपास फिर से पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, उससे जो है इंटेंसिटी बढ़ेगी और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेनफॉल आपको 4 तारीख के बाद फिर से देखने को मिलेगी, और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे भारी बारिश भी हो सकती है। तो अगर आप ओवरऑल फोरकास्ट 1 वीक की भी बात करते हैं तो 1 जुलाई में भी जो है बारिश रहेगी, सिर्फ 1-2 दिन ऐसे रहेंगे जहाँ बारिश की गति और इंटेंसिटी कम है। सर इस पर अगर अकेले बात करता हूँ क्योंकि मानसून से जस्ट पहले की बारिशें हैं तो प्रदेश में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई है, इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग, और 2004 से जब जब से हमारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तब से हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है सर मई में प्रदेश में हुआ है। तो मई में भी लगातार बारिशें नहीं, और जून में अभी तक का आप देख रहे हैं कि एक्सेस रेनफॉल चल रही है, तो इससे ज़्यादा ये हो जाता है कि जमीन में पानी ज़्यादा हो जाता है। उससे क्या हो जाता है कि अगर बारिश होगी तो सॉयल जो है वो ज़्यादा पानी लेने की कैपेसिटी में नहीं होती, तो नीचे पानी कम जाता है, तो फिर ये रन ऑफ और इस तरह की